मैं तैयार हूं माँ, अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन के लिए। आज जो भी होगा मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। कहाँ चली गई थी तुम तीनों? मैंने सीता दीदी के केश बांध दिए हैं। अब उसे तैयार करो, आओ चलो। अब देखिएगा बड़ी माँ, आज हम इन्हें कैसे तैयार करते हैं। ऐसी सुंदरता आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। अतिथियों के विश्राम एवं उनके भोजन की व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? जाओ। जी महाराज। कुछ ही क्षणों में वरों का आगमन आरंभ हो जाएगा राजा, और उसमें से एक योग्य वर हमारी सीता को सदा के लिए ले जाएगा। भैया आप निश्चिंत रहें, आर्यावर्त से आए हुए सभी राजकुमारों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। राजन, दक्षिण दिशा की ओर आकाश में एक विशाल यान उड़ता हुआ दिख रहा है। वायुयान, अर्थात लंकापति रावण पधार रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने स्वयंवर में आने का निमंत्रण स्वीकार किया। निसंदेह भैया, आप मुझे लंकापति रावण के स्वागत हेतु जाने की आज्ञा दीजिए। लंकापति रावण एक महान शिव भक्त हैं कुशध्वज। उनका स्वागत करने मैं स्वयं तुम्हारे साथ जाऊंगा। दीदी, इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा? दीदी ये वाला। नहीं दीदी, मेरा वाला पहनिए। नहीं दीदी ही बताएंगे कि उन्हें कौन सा पहनना है। आप ही बताइए कि इसमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा। दीदी मेरा वाला पसंद आया आपको? दीदी मेरा। मान लीजिए दीदी मेरा। आप दीदी मेरा। और मैं चल अब दीदी को तैयार करते हैं। सीता मेरी सदैव एक ही पत्नी होगी। अब हम दीदी को दामिनी पहनाएंगे। एक विमान को उतारने के लिए खेत के इतने बड़े भूभाग को क्षति पहुंचाई जा रही है, ये तो क्रूरता है। अर्थात ये व्यक्ति कभी मिथिला की मिट्टी का सम्मान कर ही नहीं सकता। सत्य कहा आपने। लंकेश के लिए उनके अहंकार की पूर्ति से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। आइए लंकेश, आइए मिथिला की भूमि पे पदार्पण करके इसका उद्धार कीजिए। इस प्रकार समस्त लंका आपके स्पर्श से स्वर्ण लंका में परिवर्तित हो चुकी है। सौभाग्य दीजिए यहाँ की धूल को कि वो आपके चरणों को छूकर स्वर्ण में परिवर्तित हो जाए। लंकेश के दर्शन पाने हेतु सभी तैयार हो जाए। आज का दिन मिथिला के इतिहास में अविस्मरणीय हो जाएगा, केवल अविस्मरणीय। पधार रहे हैं लंकेश।